हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जी के और इसमें हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी का पार्ट। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। ठीक है, 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था जिसको बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। आई होप आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता तो डोंट वरी, हिस्ट्री के पार्ट में हम इसको देखेंगे, सारा पढ़ेंगे, रिवोल्ट क्यों हुआ था, कब हुआ था, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स जो भी 1857 के बाद हुए थे। ठीक है, इसमें से सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी इन एन अपरेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 डिस्क्राइब्ड एज एन आर्म्ड सिपॉय म्यूटिनी बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस एंड रिमेंबर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द इंडियंस। देखो, पीछे वाले एक्ट में हमने पढ़ा था कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पावर्स थी अपने हाथ में ले रही थी धीरे धीरे। ठीक है, और 1857 के रिवोल्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सॉरी ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी सॉवरेनिटी अपने हाथ में ले ली। ठीक है, और ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे वो 1857 के रिवोल्ट को क्या बोलते थे, सिपॉय म्यूटिनी। ठीक है, और इंडियंस क्या बोलते थे इसको, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अब ये जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट रूल के अंडर पहला ऐसा एक्ट बना था। ठीक है, द फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर जब ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद जो पहला एक्ट बना था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल ओवर इंडिया विदाउट एनी पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री। ठीक है, अब इस एक्ट के अंडर ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, एब्सोल्यूटली मतलब पूरा कंट्रोल इंडिया पे अब ब्रिटिशर्स का हो गया था, किसी भी और कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे काम नहीं करती थी, अब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे इंडिया में। ठीक है, और कोई भी कंट्री यहाँ पे नहीं थी। द पावर्स ऑफ द क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स नोन एज द काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो क्राउन की पावर थी, ठीक है, वो कौन एक्सरसाइज करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो कौन था, वो ब्रिटिशर्स का था। ठीक है, वो ब्रिटिश में वहाँ इंग्लैंड में बैठ के काम करता था और इंडिया के लिए काम करता था। ठीक है, और इसके नीचे एक काउंसिल थी, उसमें टोटल 15 मेंबर थे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भी काम करता था, ठीक है, उसने अपना काम करने के लिए आगे एक काउंसिल बनाई और उस काउंसिल में टोटल 15 मेंबर थे। ठीक है, जैसे आज की डेट में होता है ना, प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेम वे ऐसे यहाँ पे काम होता था। ठीक है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसके नीचे एक काउंसिल बनी हुई थी, उसमें टोटल 15 मेंबर थे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर कौन था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, और बीच में कौन आता था, वॉइसराय। ठीक है, ये थी एक हायरार्की। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वॉइसराय, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये एक हायरार्की बनी हुई थी। नेक्स्ट, द कंट्री वॉज डिवाइडेड इन टू प्रोविंसेस हेडेड बाय अ गवर्नर और ल्यूटिनेंट गवर्नर हेडेड बाय हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब जो कंट्री थी, कंट्री मीन्स इंडिया, अब पूरी कंट्री को इन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्रोविंसेस मीन्स जैसे आज की डेट में स्टेट्स है। ठीक है, जैसे एक कंट्री है तो उसमें छोटे छोटे प्रोविंस बना दिए बहुत सारे। ठीक है, अब स्टेट्स तो थोड़ी बड़ी होती है, तो उस टाइम पे जो प्रोविंसेस थे वो छोटे छोटे प्रोविंसेस में इन्होंने स्टेट को बांट दिया, सो दैट कंट्रोल करना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो कंट्री को इन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया और हर प्रोविंस को एक गवर्नर या फिर कोई ल्यूटिनेंट गवर्नर उसको हेड करता था। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में भी होते हैं ना, स्टेट में गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, तो वैसे ही उस टाइम पे था। प्रोविंसेस को हेड कौन करता था, गवर्नर और ल्यूटिनेंट गवर्नर। ठीक है, और उसके नीचे होती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर के नीचे। ठीक है, जैसे सेंट्रल लेवल पे था, सेम वे प्रोविंसेस पे होता था। ठीक है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैड टू फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल इन ऑल मैटर्स। ठीक है, अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी,
ठीक है। प्रोविंशियल मीन्स जो प्रोविंसेस में गवर्नमेंट काम करती थी, ठीक है, वो काम करती थी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल, अब यहाँ पे इन्होंने गवर्नर जनरल लिखा था, लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में 1857 के बाद वॉइसराय आ गए थे, ठीक है। अब जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम करती थी वो अंडर द सुपरविजन ऑफ वॉइसराय काम करती थी हर मैटर में। कोई भी मैटर पे उन्होंने कोई लॉ बनाना है या कुछ भी करना है तो सबसे पहले वॉइसराय की डायरेक्शन के अंडर वो काम करेगी, ठीक है। ऑल द अथॉरिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वॉज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हु वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। अब इंडिया में जितनी भी अथॉरिटी काम कर रही थी, ठीक है, वो किसके अंडर काम करती थी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंडर, ठीक है। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल आगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर काम करता था, ठीक है। हायरार्की थी, पहले भी मैंने बताया था, सेम वे हायरार्की बनी हुई थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऊपर था, उसके नीचे आ जाते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर भी एक पावर थी, कौन सी पावर थी? वो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। सबसे ऊपर बैठी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के नीचे आ जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके नीचे आ जाता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। और उसके नीचे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी थी, और उस काउंसिल में टोटल कितने मेंबर थे? 15 मेंबर्स, ठीक है, राइट। तो आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब 1857 के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आया था वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट, ठीक है। तीन एक्ट आए थे इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 वाला हम यहाँ पे देखेंगे, बाकी वाले जो दो एक्ट्स हैं वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। अब इस एक्ट के अंडर क्या हुआ था? द पावर्स ऑफ द क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, ठीक है, समझ आई। जो पावर्स होती थी क्राउन्स की वो कौन देखता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसकी हेल्प कौन करता था? काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। पीछे वाले एक्ट में हमने पढ़ा था ना, काउंसिल बनी हुई थी और काउंसिल में टोटल कितने मेंबर थे? 15 मेंबर्स थे, और उस काउंसिल को हम क्या बोलते थे? काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्न इंडिया थ्रू द गवर्नर जनरल, ठीक है। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए काम करता था, ठीक है, और किसके थ्रू काम करता था? अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो बैठता तो लंदन में था, ठीक है, बट काम इंडिया के लिए कर रहा था। तो बीच में कोई बंदा होएगा ना जिसके थ्रू वो काम करता था, तो जो बीच वाला था उसको बोलते थे हम गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल लिखा है बट एक्चुअल में 1857 के बाद वॉइसराय आ गया था, ठीक है, तो वो वॉइसराय के थ्रू काम करता, ठीक है। असिस्टेड बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उसके नीचे आ जाती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें 15 मेंबर थे, जिसको बोलते थे काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस एक्ट इनेबल्ड द गवर्नर जनरल टू एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन बाई नॉमिनेटिंग दैम टू हिज एक्सपेंडेड काउंसिल, ठीक है। इसमें गवर्नर जनरल को, अब इस एक्ट में क्या हुआ, ये पहला ऐसा एक्ट था जिसमें इंडियंस को थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन मिली थी लेजिस्लेशन में, लेजिस्लेशन मीन्स लॉ मेकिंग पावर्स में, ठीक है। कुछ इंडियंस को इन्होंने नॉमिनेट किया था, बट बेसिकली वो इंडियंस कौन थे? वही इंडियंस थे ना जो अंग्रेज़ों के खास थे, ब्रिटिशर्स के कुछ खास बंदे थे। अब उन्हीं को भी वो अपने लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल करेंगे ना, हर किसी को नहीं ऐड करेंगे वहाँ पे, रिप्रेजेंट करेंगे, नॉमिनेट। अब ये जो मेंबर होते थे वो नॉमिनेटेड होते थे, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड दैट गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड इंक्लूड सर्टेन एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑल्सो वाइल ट्रांजैक्टिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, उसमें कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होते थे और कुछ थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उसमें आते थे हमारे इंडियंस, ठीक है। अब ये जो इंडियंस थे बेसिकली ये तीन लोग थे यहाँ पे जिनको इन्होंने नॉमिनेट किया था, और लॉ मेकिंग में ये इनकी ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे। हेल्प तो क्या ही करते थे, बस नाम के लिए रखे हुए थे, ठीक है। बट दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज नीदर रिप्रेजेंटेटिव नॉर डेलिबरेटली इन एनी सेंस, ठीक है। अब इंडियंस को इन्होंने रख तो लिया, नॉमिनेट कर लिया, बट इनके खास लोग थे वो, ठीक है, इनके जो भी फंक्शनिंग थी, जो भी काम करते थे उनमें इतने ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते थे, ठीक है। इट डिसेंट्रलाइज्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल एंड वेस्टेड देम इन द गवर्नमेंट्स ऑफ बॉम्बे एंड
मद्रास, ठीक है। अब पहले इन्होंने पावर्स को सेंट्रलाइज किया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, अपने हाथ में ले ली थी सारी पावर्स। अब इस एक्ट के अंडर इन्होंने पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया। डिसेंट्रलाइज मतलब कुछ पावर्स प्रोविंसेस को देनी शुरू कर दी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने डिसेंट्रलाइज कहाँ पे शुरू की, बॉम्बे एंड मद्रास में, ठीक है। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेजिडेंसीज को कुछ पावर्स इन्होंने दे दी, लेजिस्लेटिव पावर्स, कि आप भी अपनी प्रेसिडेंसी में क्या कर सकते हो, लॉज बना सकते हो, अपने प्रोविंसेस में अपने हिसाब से लॉज बना सकते हो। बट अल्टीमेटली किसकी परमिशन से बनाने पड़ते थे लॉज, जो भी बनाने होते थे वाइसराय की परमिशन से, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है, दिस इज द एंड। और आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।